देखिए बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे बाबू, ये हम लोग का क्लास 11 का न्यू सिलेबस का बीएसटीडी का पहला क्लास, क्लास 11 का न्यू सिलेबस का बिजनेस स्टडीज का पहला क्लास है। पहला क्लास हम लोग बिजनेस स्टडीज का करने जा रहे भाइयों बहनों। सबसे पहला क्लास में आपको यह समझना होगा कि हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग है इंसान। हम लोग कौन है बाबू? इंसान। और इंसान सुबह से लेकर रात तक दो तरह का काम करता है, कुछ काम करता है खुशी के लिए, कुछ काम करता है रोटी के लिए। कुछ काम किसके लिए? खुशी के लिए। खुशी कौन है? खुशी कोई लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर, खुशी मतलब मन का खुशी। तो कुछ काम हम लोग किसके लिए करते हैं बाबू? खुशी के लिए। और कुछ काम किसके लिए करते हैं? पैसा के लिए। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बाबू? ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ काम हम लोग किसके लिए करते हैं? खुशी के लिए। और कुछ काम किसके लिए करते हैं? पैसा के लिए। तो जो काम आप खुशी के लिए करते हो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो काम हम लोग पैसा के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहीं से आपका पढ़ाई शुरू होता है। तो पहले बताइए हम लोग कौन? ह्यूमन। हम लोग कौन? ह्यूमन बींग। और इंसान जो भी एक्टिविटी करता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते बोलो? और ह्यूमन एक्टिविटी कितना तरह का होता है? दो, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और कुछ काम किसके लिए करते हैं? खुशी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? कुछ काम पैसा के लिए। कुछ काम, कुछ काम खुशी, कुछ काम पैसा, कुछ काम खुशी, कुछ काम पैसा। जैसे देखिए एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है खुशी के लिए कि पैसा के लिए? बोलिए, सोच के बोलिए। खुशी के लिए पढ़ा रहा है ना बच्चे लोग को? ये जो बच्चा को मैम ऐसे हाथ मार रही है, खुशी के लिए मार रहे हैं ना पैसा के लिए? पैसा के लिए बाबू। पढ़े लो स्कूल में कोई आपका स्कूल क्या खुशी के लिए प्यार करते टीचर? नहीं। अच्छा हम तो आपसे इतना मुस्कुरा के बात करें, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुल के बोलो खुशी की पैसा, पैसा के लिए। ए चिल्ला के बोलो, खुल के बोलो मतलब चिल्लाना नहीं होता। अच्छा और है, अरे शादी में नाच रही है लड़की लोग, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? ये अपना भाई का शादी में नाच रही, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? पैसा के लिए शादी का भाई तो नहीं बस मेरे। तो अपना भाई का शादी में पैसा के लिए नाचोगे? अपना भाई का शादी में पैसा के लिए नहीं नाचता है, अपना भाई का शादी में किसके लिए नाच रहा है बताइए? खुशी के लिए। ये किसके लिए नाच रही है? खुशी के लिए। क्यों नाच रही है लड़की? क्यों नाच रही? जिसलिए भी नाच रहे, भाई का शादी, बहन का शादी, तो हमको फोटो से समझ नहीं आ रहा किसका शादी है, लेकिन किसी का शादी में नाच रही, खुशी से नाच रही। हो सकता है इसी का शादी हो, ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो कारण बस समझे ना। अच्छा एक आदमी जब अपना बच्चा को पढ़ाता है क्यों पढ़ाता है? खुशी के लिए, पैसा के लिए? इस पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? इस पिक्चर में देखते हो आदमी अपना बच्चा को लेके पढ़ा रहा, ये खुशी के लिए पैसा के लिए? अपना बच्चा को पढ़ा के अपना वाइफ से तो पैसा नहीं मांगेगा ना, बोलो हाँ कि नहीं? तो ये खुशी है कि पैसा है? ये क्या है? ये खुशी के लिए है। अच्छा आप बताना पिक्चर देख के, ये किसके लिए है? पैसा के लिए है, ठीक है। और ये किसके लिए नाच रही है? और ये क्यों नाच रहा है? पैसा के लिए। देखिए जो भी है लोग निश्चिंत कौन है, नेट से उठाया पिक्चर है। ये लड़की लोग नाच रहे क्यों नाच रही? काहे नाच रहे हैं? ये लोग पैसा के लिए नाच रहे हैं। ये लोग साफ साफ समझ रहे हैं प्रोफेशनल डांसर ही है, ये लोग पैसा के लिए नाच रहे हैं। किसके लिए नाच रहे हैं? वो पैसा। तो इंसान अपने जिंदगी में ना बाबू सुबह से लेकर रात तक बहुत सारा काम करता है। कुछ काम हम लोग करते हैं खुशी के लिए, कुछ काम हम लोग करते हैं पैसा के लिए। असल पिक्चर आपका दिमाग में बैठ जाता है, समझे ना? हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे खुशी के लिए कि पैसा के लिए? पैसा के लिए पढ़ा रहे, ओके। और अगर मान लीजिए अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे वो किसके लिए? खुशी के लिए पढ़ा रहे, वेरी गुड। तो भाइयों और बहनों हम लोग कौन? ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग कौन? हम लोग तो इंसान है, और हम लोग का जो एक्टिविटी उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ काम किसके लिए करते हैं? कुछ काम, कुछ काम, कुछ काम जो खुशी के लिए करते हैं उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक मतलब इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। और जो काम पैसा के लिए करिएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा बिरयानी वाला बिरयानी क्यों बेच रहा है? कपड़ा वाला कपड़ा क्यों बेच रहा है? अच्छा पूरी वाला पूरी क्यों बेच रहा है? पूरी वाला कहाँ गया? देखिए पूरी वाला पूरी क्यों बेच रहा है? पैसा के लिए। पैसा के लिए बेच रहा है, खाने का मन करा क्या? फोटो में हर चीज दूसरे से दूर से देखोगे ना तो अच्छा ही लगेगा आपको, खाने का मन करे। कपड़ा वाला कपड़ा क्यों बेच रहा है? पैसा के लिए। क्यों बेच रहा है वो बताइए? पैसा के लिए। देखिए डॉक्टर, सीए, सीए अपना काम क्यों कर रहा? पैसा के लिए। लॉयर अपना काम क्यों कर रहा? पैसा के लिए। डॉक्टर अपना काम क्यों कर रहा? पैसा के लिए। भाई और बहनों, अच्छा कोई आदमी, कोई मालिक कभी किसी कोई नौकर मालिक के पास काम करा किसके लिए? पैसा के लिए। तो भाई और बहनों जो चीज पैसा के लिए करते हैं ना वो सब किस कैटेगरी में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
पैसा भी जो करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आज जो मन का खुशी के लिए करेंगे डिफरेंस समझे। तब से आपको यही पढ़ा रहे क्योंकि चैप्टर का शुरुआत ही है। स्कूल में जाओगे पहला लाइन पहला शब्द टीचर यही पढ़ाएंगे आपको। जल्दी बताइए इकोनॉमिक, अच्छा हम लोग कौन है? ह्यूमन। हम लोग का एक्टिविटी कितने टाइप का? इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और अच्छा जो पैसा का लेन देन होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? जो पैसा के लिए करोगे वो क्या है? पैसा के लिए जो करते हैं वो कौन सा एक्टिविटी है बताइए? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो एक्टिविटी आप मन का खुशी के लिए करिएगा नॉन इकोनॉमिक। समझ गया ना? जल्दी बताइए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है? अच्छा सीए फ्री में काम करता है ना पैसा लेके, लॉयर फ्री में काम करता है ना पैसा लेके, डॉक्टर फ्री में काम करता है ना पैसा लेके। अच्छा ये जो अपना बच्चा को हम पढ़ा रहे किसके लिए? खुशी के लिए। फ्री में कि पैसा लेके? फ्री में कि पैसा लेके? फ्री में। ये मैम पढ़ा रही है फ्री में कि पैसा लेके? पूरा पहले फील कर लीजिए, ये लड़की नाच रही है फ्री में कि पैसा लेके? ये भी लड़की नाच रही है। शादी देख के लग रहा है भाई किसी का शादी होगा, हो सकता है इसका अपनी शादी हो, जो भी शादी हो डज नॉट मैटर, हो सकता है इसका एक्स का शादी हो, चश्मा पहन के नाच रही है इसीलिए, जिसे कोई रोता हुआ ना देख ले, ठीक है। और ये कपड़ा बेच रहा क्यों? पैसा के लिए। ये पूरी बेच रहा क्यों? अच्छा पूरी से याद आया, अगर पूरी बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन अपना घर में पूरी बनाते हैं खिलाने के लिए क्या होगा? खुशी के लिए। किसके लिए होगा? खुशी के लिए। आज आपका मम्मी बिरयानी बनाई है खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुशी के लिए। किसका खुशी के लिए? आपका खुशी के लिए। आपको बिरयानी बहुत पसंद है तो मंगवा ली, चलो तुम्हारे लिए बिरयानी बना देते, तो आपका खुशी के लिए बिरयानी बन गया। तो कौन सा एक्टिविटी होगी? खुशी एक्टिविटी हो गया। इंग्लिश में बोलो फिर, बोला खुशी एक्टिविटी हो गया। अरे खुशी कोई लड़की का नाम नहीं है बाबू, भूल जाओ, खुशी एक परिस्थिति का नाम है जो जो पैसा के लिए। अच्छा उसका महिला मित्र का नाम खुशी है क्या? अरे वाह, तो जो पैसा के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक खोया है क्या? फ्लो बर्बाद कर दू। आइए प्लीज बुक लेने दो, थोड़ा देर बैठी ना हो, क्लास चल रही, ऑनलाइन क्लास, अंदर में बैठिए ना, अंदर में तो ऑफिस है, बैठिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। देखिए तो जल्दी बताइए पैसा के लिए जो काम करेंगे वो क्या है? इकोनॉमिक। खुशी के लिए? समझ गया ना, आगे बढ़ते हैं, तब से तो यही टॉपिक पढ़ा रहे। तो जल्दी बताइए हम लोग कौन? ह्यूमन बीइंग। हम लोग का एक्टिविटी कितना टाइप का बाबू? दो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पैसा के लिए करोगे? खुशी के लिए करोगे? समझ लो बाबू। अच्छा आप लोग में जो साइकिल लाइएगा ना, साइकिल अंदर रख दीजिएगा, अंदर गली में साइकिल रख दीजिएगा, बस साइकिल जब लाइएगा बाहर मत लाइएगा, साइकिल अंदर रख दीजिएगा। बाइक अपना लाने से बाहर लगा दोगे, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ गए ना बाबू सारा बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए देखिए, आजा देखिए देखिए, रेडी? चलिए, ये हम लोग का बुक है कोचिंग का, वो आप लोग को भेज दिया जाएगा। एक्चुअली 11 में ना बीएसटीडी का सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, बीएसटीडी का जो बुक हम लोग आता वही बुक चल जाएगा, उसका एडिटिंग करा के आप लोग को भेज देंगे, ऐसे ग्रुप में भेज दिए, भेज देंगे, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई। देखिए रेडी गाइस? देखिए तो भाई और बहनों टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब जो जो बात हमने आपको बोला है उसका थोड़ा फील करोगे, क्या करोगे बाबू? फील। क्या करोगे बोलो? फील करोगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स मैंने इतना पिक्चर आपको दिखा दिया कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन बींग्स वेयरएवर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। चाहे इंसान कहीं भी रहता हो कुछ भी करता हो उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना होता है। हर आदमी अलग अलग काम करता है, कुछ आदमी मन का कुछ काम हम लोग खुशी के लिए करते हैं, कुछ काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ काम हम लोग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मन का शांति के लिए करते हैं। मंदिर में क्यों जाते हो? पैसा के लिए ना खुशी के लिए? बोलो, खुशी के लिए आते हो मंदिर में? मतलब ना मंदिर में किसके लिए आते हो? पैसा कमाने के लिए ना खुशी के लिए? मन का शांति के लिए। किसके लिए बाबू? मन का शांति। मंदिर में जाएंगे तो मन का शांति है। आदमी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये सब क्यों जाता है? मन का शांति के लिए। अच्छा मंदिर से बाहर निकल के आप दो चार लोग बैठे हुए थे उनको आप एक एक रुपया दो दो रुपया करके दे दिए, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुशी के लिए, कि भाई मन का शांति होगा, दे दे रहे बेचारा मांग रहा। तो कुछ काम हम लोग करते हैं मन का खुशी के लिए और कुछ काम हम लोग करते हैं पैसा के लिए, बोलो हाँ कि नहीं? देखिए एक्टिविटीज विच आर ह्यूमन बींग अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें से कुछ एक्टिविटी हम लोग करते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। आप ट्यूशन आ रहे थे, रास्ता में गाना गाते गाते आ रहे थे,
आप लोग ट्यूशन आ रहे थे, रास्ते में गाना गाते गाते आ रहे थे, तो ये खुशी के लिए कि पैसा के लिए? खुशी के लिए आ रहे थे, ऐसा तो नहीं गाना गाते थे कटोरी लेके रास्ते में मांगने लग गए। अब मन का खुशी के लिए, मन का खुशी के लिए। अच्छा, तो उसको बोलते कुछ काम हम लोग करते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल के ट्यूशन आ रहे हो, खुशी के लिए कि पैसा के लिए? पैसा के लिए आ रहे हो, खुशी के लिए। हाँ ठीक बोले। अगर मान लीजिए आप पैसा लेके खेला खेलते हो तो वो हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पैसा लेके खेलते जैसे विराट कोहली, देखिए हम लोग आप लोग के लिए क्या है, क्रिकेट मैच एक शौक है, तो हम लोग आप लोग शौक से खेलते हैं, शौक से देखते हैं, तो हम लोग आप लोग के लिए शौक है। लेकिन जो आदमी लोग क्रिकेट मैच खेल रहा है जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स लोग है, ये लोग क्यों खेलते हैं बताइए? पैसा के लिए ना, खुशी के लिए? उन लोगों को एक एक मैच में लाख लाख रुपया मिलता है, करोड़ों करोड़। अभी आप देखिए नहीं, क्या नाम, विराट कोहली को तो इंस्टाग्राम में एक तो फोटो पोस्ट करने में करोड़ों रुपया मिलता है। हम लोग आप लोग क्या इतना सारा फोटो इंस्टाग्राम पे डाल देते, बेटा कोई देखता ही नहीं, बस उसमें भी अगर कोई देख दाख के एक दो लाइक वाइक दे दिया तो अलग बात। लेकिन आप सोचिए विराट कोहली को एक फोटो पोस्ट करने का पैसा मिलता है। अगर हमको फोटो पोस्ट करने का पैसा मिलता है तो ट्यूशन से बंद कर देते, फिर मैं बैठ के घर में फोटो पोस्ट कर लेते। सोचिए विराट कोहली एक तो मतलब इंस्टाग्राम कंपनी उसको जबरदस्ती पैसा देता है कि तुम फोटो पोस्ट करो, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम उसी का है। इंडिया में विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसका प्लेयर क्या नॉर्मली हीरो हीरो लोग से भी ज्यादा उसका फैन फॉलोइंग है। ये क्या है, ये क्या है? मोदी जी से भी ज्यादा उसका फैन फॉलोइंग है, बात समझ रहे? ये क्या है? तो वो विराट कोहली जो फोटो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, क्यों डाल रहा है? खुशी के लिए कि पैसा के लिए? हम क्यों डाल रहे? खुशी के लिए। क्यों डाल रहे बताइए? खुशी के लिए। आप क्यों डाल रहे हो? खुशी के लिए। अच्छा आ देखो, आप रील्स बनाते हो तो आपको तो पैसा नहीं मिलता है, बस हम रील्स बनाते हैं तो पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो आदमी रील्स बनाता है उसको पैसा मिलता है, तो उसके लिए कौन सा एक्टिविटी हो गया इकोनॉमिक? तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनका घर ही उससे चल रहा है। तो जो कोई भी काम अगर आप पैसा के लिए कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक है, और खुशी के लिए कर रहे हो तो वो क्लियर है गाइस? देखिए वन फॉर कैन फाइंड सम ऑफ दीज एक्टिविटी प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जांपल, ऑफिस में काम करना पैसा कमाने के लिए, दुकान चलाना पैसा कमाने के लिए, कोई डॉक्टर है पैसा कमाने के लिए। तो इतना देरी में जो आपको एग्जांपल समझाया ना वही लिखा हुआ है, तो हम आपसे पूछते बताइए खुशी के लिए जो चीज करेंगे बोलो ना, तो हम यहां पर लिखते हैं, बताना। देखो तब वो टॉपिक से आगे बढ़ोगे तब आगे बढ़ेंगे। हम लोग कौन? ह्यूमन। हम लोग जितना भी एक्टिविटी करते हैं कितना पार्ट में बटा हो बताइए? दो, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। जो चीज पैसा के लिए करेंगे, खुशी के लिए, खुशी के लिए, खुशी के लिए, पैसा के लिए। अब आइए तो देखिए, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी है और क्या बाबू? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। जो काम आप करते हो पैसा कमाने के लिए उसको क्या बोलेंगे बताइए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितना आपको पढ़ाएंगे ना घर में, एक बार रीडिंग मार लोगे बस, आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, उच्चारण भी क्लियर हो जाएगा और वर्ड्स भी सीख लोगे। देखो एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा कमाने के लिए करेंगे तो क्या बोलेंगे आप? इकोनॉमिक। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी पढ़ाएंगे आपको। तो और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? जो हम लोग खुशी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो खुशी। तो आपसे बार बार लास्ट टाइम बोल रहे बताइए, इसके बाद फिर नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे? खुशी की पैसा, खुशी की पैसा। यहां पर खुशी मतलब कौन? वेरी गुड, कोई बच्चा आप लोग में से बोले वेरी गुड। यहाँ पे खुशी मतलब मन का खुशी, मन का शांति, जिससे आपको मन में खुशी होता हो, शांति होता हो। कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना जो हम लोग पैसा के लिए नहीं करते, लेकिन करने के बाद ना एक तो सुकून फील होता है, उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? मन की खुशी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको गाना गाना अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नाचना मतलब डांस करना अच्छा लगता होगा, तो आप डांस करते हैं। कुछ बच्चे जैसे नॉर्मली शादीवादी में क्या होता है, नहीं भी नाचना आता तो आदमी नाच देता है शादीवादी में, तो ही था शादी में बराती वराती आदमी आता है, नहीं भी नाचने आता है ऐसा भी नाच रहा। तो खुशी के लिए नाच रहा है ना, पैसा के लिए नाच रहा है? खुशी के लिए। तो जो काम खुशी के लिए करते हो वो नॉन इकोनॉमिक, और जो पैसा के लिए करते हो इकोनॉमिक। अब थोड़ा आगे बढ़ते क्योंकि तब से यही बात आपको हम बता रहे हैं। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह का होता है, मेनली तीन तरह का एक्टिविटी होता है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह का बाबू बोलो? यस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलो ना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलिए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बिजनेस
और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में फर्क क्या है वो समझिए। पहले हम आपको डिफरेंस बताते हैं। भाई और बहनों, बिजनेस मतलब होता है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो रोज रोज करते हैं। कैसे करते हैं? रोज रोज करते। क्यों कर करते हैं? पैसा कमाने। जैसे आपको उस दिन भी पढ़ाई थी, अकाउंट से बताई थी, पूरी वाला रोज क्या बेचता है? पूरी। कपड़ा वाला रोज क्या बेचता है? बर्तन वाला रोज क्या बेचता है? चप्पल वाला रोज क्या बेचता है? क्यों बेचता है? पैसा कमाने। क्यों बेचता है? पैसा। क्यों बेचता है? पैसा। यस। अब प्रोफेशन मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए हाई स्किल नॉलेज चाहिए। प्रोफेशन मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए क्या चाहिए बाबू? हाई स्किल नॉलेज। बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा आपको। किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप किसी के अंदर काम करते हो पैसा कमाने के लिए। तीनों काम में पैसा आता है, बिजनेस में भी पैसा आता है। हम लोग अपने आसपास में जितने भी लोगों को देखते हैं, या तो कोई बिजनेस कर रहा है, या तो कोई प्रोफेशन में, या तो कोई नौकरी कर रहा है। बस नौकरी मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो हर आदमी घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना बाबू। आज जो कुछ नहीं करता है तीनों में से, उसको हम लोग बोलते हैं बेरोजगार। क्या बोलते हैं बाबू? बेरोजगार। जो कुछ नहीं कर रहा, नल्ला। क्या बाबू? नल्ला। नल्ला समझते हैं ना? नालायक जिसको बोलते हैं आप लोग भाषा में। नल्ला थोड़ा रफ लैंग्वेज हो गया। रफ का मतलब हो गया बेकार लैंग्वेज हो गया। बोले नल्ला है लड़का। नल्ला मतलब बेकार। क्या बाबू? बेकार। तो भाइयों और बहनों, जल्दी बताइए, घर परिवार चलाने के लिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना तरह का है? तीन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों चीज से पैसा आता है। हाँ कि नहीं, बोलो। अच्छा बताइए, जिस चीज से हम लोग जो काम कर रोज रोज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, कोई किसी के अंदर काम करता है, अंदर काम करता है। तो भाई और बहनों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, देखिए पढ़ने का बहुत तरीका है एक चीज को, लेकिन हम लोग क्या किए कि पहले आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बता दे। बिजनेस, प्रोफेशन और किसका बाबू? एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये पहले आपको हम तीनों का मीनिंग बता रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन का आपको बहुत सारा पॉइंट, 8-10 पॉइंट लिखा हुआ है एग्जाम में, तो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है नॉर्मली। तो आप क्या करिएगा, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन देगा, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट ही याद करिएगा। सब याद करने का दरकार नहीं, पहला टॉपिक है ना, इसलिए आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में बता दे रहे, जिससे आपको चैप्टर समझने में सुविधा हो। लेकिन आप याद पूरा नहीं करेंगे, समझेंगे लेकिन याद 5-6 पॉइंट ही करिएगा, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। तो जल्दी हमको बताइए ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड क्या बाबू? एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, कपड़ा वाला कपड़ा बेच रहा, ये क्या है? बिजनेस। क्या है? बिजनेस। क्या है? बिजनेस है। क्या है बाबू? बिजनेस। अच्छा, ये सीए किस कैटेगरी में आएगा बताइए? प्रोफेशन, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लॉयर किस कैटेगरी में है? डॉक्टर किस कैटेगरी में? प्रोफेशन के कैटेगरी में आएगा। अच्छा, कपड़ा वाला किस में आएगा? बिजनेस। बिजनेस। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक आदमी दो आदमी को ज्ञान दे रहा है, दे रहा ना, ये बड़ा मालिक है, पहले दोनों क्या बाबू? स्टाफ। दोनों क्या है? स्टाफ। लड़का लोग का नजर उधर जा रहा है, उधर मत देखो यार, उधर नहीं देखना, उधर देखोगे क्या? नहीं देखोगे। किधर देखोगे बताओ? मालिक, मालिक को देखो, नौकर को देखो, बेटा लड़की को देख रहे हो, इधर देखो, मालिक को देखोगे ना, खाली प्रिंस उधर देखो, बार बार इधर मत, इधर देखो, ठीक है। ये नौकर, ये कौन है बाबू? नौकर। ये कौन है? मालिक। ये भी नौकर। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है? ये है एम्प्लॉयमेंट। तो भाइयों और बहनों, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? तो बिजनेस मीन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म रेगुलरली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द मनी, एंड हियर यू डील इन गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे गुड्स बेचते हो आप। क्या बेचते हो आप? गुड्स। सामान खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन करने के लिए आपको हाई स्किल नॉलेज होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। जो लोग बहुत पढ़ा लिखा है वो लोग किस कैटेगरी में आएंगे? प्रोफेशन। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये लोग सब किस कैटेगरी में चले गए? प्रोफेशन। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वेन वन पर्सन इज वर्किंग अंडर अनदर पर्सन, जब एक आदमी काम करता है दूसरा आदमी के अंदर में, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एम्प्लॉयमेंट। बोलो हाँ कि नहीं। अब थोड़ा और आते हैं डिटेल्स में। देखिए देखिए पहला में क्या लिखा हुआ, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब बिजनेस आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आपका जब मन होगा तब स्टार्ट करोगे। बिजनेस में क्या होता है, जब मन तब खोलिए, जब मन तब बंद करिए।
अच्छा प्रोफेशन में कमेंस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। प्रोफेशन तो तभी होगा जब आपको डिग्री मिलेगी। कोई भी आदमी डॉक्टर बन जाएगा क्या? कोई भी एबला डेबला बेबला डॉक्टर बन जाएगा? कोई भी हिबला लोग डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। कोई भी आदमी बन जाएगा क्या? इंप्लॉयमेंट मतलब इंप्लॉयमेंट कब शुरू होगा? जब आपको एग्रीमेंट मिलेगा। कोई भी मालिक जब आपको एग्रीमेंट देगा कि हाँ भाई तुम मेरा कंपनी में आ गए, तभी आपका नौकरी शुरू होगा। अच्छा क्वालिफिकेशन आप लोग बताइए, आप लोग बताना, हमने बताएंगे, अब आप लोग समझ गए हो। बताइए बिजनेसमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन का दरकार है क्या? नहीं। अच्छा मान लीजिए मेरे को पूरी दुकान, उससे पूरी छानने के लिए कोई आदमी आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तुम जाओ पहले माध्यमिक में 80% लेके आओ, उसके बाद पूरी छानना, ऐसा बोलेंगे क्या? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा एमसीक्यू में पूछता है क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेसमैन को कि नहीं चाहिए? बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस और नो? यस। प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या ये बिना पढ़ा लिखा हो सकता है? बिना पढ़े लिखे आप ये सब चीज देखिए, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल बनने के लिए, डॉक्टर, लॉयर, सीए बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। आपको देखो नौकरी में क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर, डिपेंड करता है नौकरी कैसा करने आ रहे। नौकरी में क्वालिफिकेशन का दरकार हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या डिपेंड करता है? कैसा नौकरी कर रहे हो। जैसे मासी कोचिंग साफ करने आती है, तो मासी आएगी कोचिंग साफ करने के लिए, तो क्या बोलेगा? मासी पहले आप ग्रेजुएशन करके आइए, उसका कोचिंग साफ करिएगा। तो मासी जिस टाइप का काम करिए उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम बैंक में जॉब करने जाएंगे तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो नौकरी के केस में क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। तो आपसे पूछते बताइए बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें मे और मे नॉट, जरूरत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना है। अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पैसा का बिजनेस होगा? 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 दुकान वाला क्या बोलेगा? मुंह देखो अपना, बिना पैसा का बिजनेस कैसे होगा बाबू? सोचो सोचो। तो आपको क्या पढ़ाए थे? इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। पढ़ाए थे ना अकाउंट्स में। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना पैसा लगेगा। तो बिजनेस में पैसा चाहिए मतलब चाहिए, बिना पैसा का बिजनेस नहीं। ठीक है बाबू। उसके बाद प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में पैसा चाहिए क्या? प्रोफेशन में पैसा चाहिए, तो बोला प्रोफेशन में पैसा का जरूरत हो भी सकता है, मतलब चाहिए, बहुत कम चाहिए। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे तो हमको पैसा का जरूरत था? था, कम था, बहुत कम। जैसे अभी ना आप इतना सारा चीज देख रहे, आप लोग तो इतना महंगा महंगा चीज, बस ये तो अभी आप लोग ज्वाइन किया ना, अभी एक महीना पहले ही सब बनाया, बस समझे। पहले जो लोग पढ़ाते थे उसमें क्या, एक तो भाड़ा का रूम था, और भाड़ा का रूम में 20-25 तो टूल लगा हुआ है 200 रुपया वाला, और एक तो 800 रुपया का बोर्ड था, बस समझे ना, और मार्कर बस होगी। तो उतना से ही तो क्लास हो जाता था। तो अच्छा ये बात बताइए, अगर हम इस रूम में नहीं पढ़ा के आपको उस रूम में भी पढ़ाएंगे तो भी आप पढ़ोगे? आपको तो पढ़ाई से मतलब है, आपको तो इससे मतलब नहीं है, बात समझे, आपको तो इससे मतलब नहीं है। तो भाइयों बहनों ये सब, ये तो आपको दिख लग रहा है इतना इन्वेस्टमेंट, ये अभी का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रोफेशन को स्टार्ट, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इन लोगों को क्या है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए। नहीं देखिए ठीक है, ये बात सही है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कुछ से मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम बैठने के लिए टूल तो आपको हम देंगे, कम से कम लिखने के लिए तो बोर्ड तो लेंगे, तो लिखने के लिए बोर्ड, बैठने के लिए टूल, ये सारा क्या हो गया बताइए? ये सारा हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट। अभी ये जितना चीज आप देख रहे हैं सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो अभी तो इसमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नॉर्मली प्रोफेशन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट का दरकार नहीं। यस और नो गाइस? चलिए उसके बाद है, नौकरी करने के लिए पैसा चाहिए? नो। नौकरी करके पैसा, पैसा दे करके नौकरी कौन करता है बाबू? पैसा दे के अगर नौकरी करेंगे तब तो वो नौकरी ही नहीं है। लेकिन जो आजकल लोग सरकारी नौकरी के लिए घूस देते हैं वो अलग बात है, वो तो पैसा लगाया नहीं ना उसमें आपने, तो नौकरी करने के लिए पैसा देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए, तो हम पहले तीन पॉइंट पूछते फिर आगे बढ़ाएंगे। जल्दी बताइए बिजनेस का, बिजनेस के हम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं? सोच के बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? गलत बोलो लेकिन बोलो, चुप नहीं रहना है, बोल दो ना जरा हाँ कि नहीं? अच्छा प्रोफेशनल लुक के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? अच्छा नौकरी करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? तो इसका आंसर होगा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अब क्या जवाब दोगे? हो भी सकता है और डिपेंड करता है कि हम कैसा नौकरी कर रहे हैं। अगर हम कोई छोटा मोटा नौकरी करेंगे तो उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम हाई ग्रेड का जॉब करेंगे
उसके लिए हमको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यस और नो गाइस? कोई कंपनी का अकाउंटेंट है तो उसको तो पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, कोई कंपनी का मैनेजर है तो उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। अब कोई आदमी मान लीजिए कंपनी में सिर्फ झाड़ू मारने आ रहा है, उसके लिए उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है गाइस? अच्छा अब आइए, अच्छा बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए क्या? चाहिए। हाँ गिरे, हाँ गिरे बोलो। प्रोफेशन के लिए पैसा चाहिए? चाहिए कम, तो थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे। बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशन में लो इन्वेस्टमेंट, और नौकरी में नो इन्वेस्टमेंट। हाई लो नो, बोलो हाई लो नो, बोलो ना हाई लो नो। बिजनेस में क्या चाहिए? हाई। प्रोफेशन में लो, नौकरी में नो, बिजनेस में हाई। क्या हाई? क्या हाई? क्या हाई? बाहर निकल के हाई हाई मत बोलोगे, समाज गलत समझ लेगा। अच्छा प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? लो। फिर से बोलो लो। यस। नौकरी में नहीं, याद रखो। अब आते हैं इस थ्योरी से, सर जी कहना ऐसे आपको याद करा देंगे हम। उसका देखिए रिस्क, रिस्क रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब होता है, रिस्क मतलब होता है, रिस्क शब्द का मतलब क्या है? रिस्क मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, कोई ऐसा चीज जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसको बोलते हैं रिस्क। जैसे आप एग्जाम हॉल में चीटिंग पेपर लेके गए, आप लोग कौन कौन बच्चा माध्यमिक में चीटिंग लेके गए थे? हाथ उठाइए ना। अब कैमरा उधर नहीं, कैमरा इधर है, कोई लेके बोलो झूठ क्या बोल रहे हो? बोलो ना, हम लोग का बात, हम थोड़ी ना आपको पापा को जाकर बोल देंगे क्या बोला चीटिंग किया था, आप चीटिंग लेके गए थे, वेरी गुड। तो हाथ उठा दिए, चीटिंग अभी लेके गए थे, ठीक है बाबा जो लेके गए थे हर बार नहीं लेके गए, अच्छा बात है, वेरी गुड बाबू, थैंक यू, चीटिंग लेके गए थे, गुड, वेरी गुड बॉय। तो क्या है, आप देखिए इसने कुछ बेचारा कुछ गलत थोड़ी कर दिया, वो लेके गया, आते कि सबसे अच्छा चीज क्या, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, बोला हाँ भैया हम लेके गए थे, यही तो सच्चाई है जिंदगी में। तो बाबू चीटिंग लेके गए थे, जब वो चीटिंग, बाबू क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम चीटिंग लेके गया था एग्जाम्पल में, ठीक है? सत्यम जब एग्जाम्पल में चीटिंग लेके गया था तो सत्यम को पता था, सुनिए रिस्क किसको, सत्यम को पता था कि हम पकड़ा भी सकते हैं नहीं भी पकड़ा सकते, फिर भी सत्यम चीटिंग लेके गया, ये जानते हुए कि हम पकड़ा भी सकते और नहीं भी। इसका अर्थ सत्यम क्या किया? रिस्क लिए। सत्यम का अंदर बिजनेसमैन बनने वाला क्वालिटी है, रिस्क लेने वाला हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए? वो हिम्मत। चीटिंग पेपर एग्जाम हॉल में इधर उधर थोड़ा पूछ पाछ लिए वो चलता है, बट एग्जाम हॉल में चीटिंग पेपर लेके जाना रिस्क का काम है, और ये काम कौन किया आपका बैच में? सत्यम किया। इसका तो सत्यम कौन बड़ा होकर क्या बन सकता है बिजनेस, उसके अंदर रिस्क लेने का क्षमता है, क्या क्षमता है? रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क है, काहे दुकान चलाएंगे प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है प्रॉफिट ही होगा। तो बिजनेस में देयर कैन बी प्रॉफिट और देयर कैन बी लॉस, इसीलिए बिजनेस में हम लोग का प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब बिजनेस में रिस्क, अब बिजनेस में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। कभी कभी देखोगे कि तो बिजनेस स्टार्ट किया बंद हो गया, उतना नहीं चला, अच्छा से पूरा पैसा बर्बाद हो गया। जैसे कोई आदमी होटल खोलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, अब देखो कि होटल रेस्टोरेंट खोला बंद हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं चला मान लीजिए तो उसका तो लाखों लाखों रुपया बेचारा का बर्बाद हो गया। तो बिजनेसमैन बनोगे तो बाबू रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क है तो रिस्क नहीं है ब्रो, बिजनेस है, खाली रिस्क किस करते रहो, रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क नहीं है बिजनेस, क्या है बाबू? बिजनेस है, रिस्क लो और बिजनेसमैन बनो, रिस्क करने जा रहे हो खाली। आओ अगला है प्रोफेशन में, देखो बाबू इधर आओ, प्रोफेशन में देखो क्या बोला इधर आप बोला चाहो प्रोफेशन में रिस्क है। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग उस कैटेगरी में, तो हम लोग में रिस्क है, कम रिस्क है। कैसे रिस्क है वो कम, कम रिस्क कैसे बताइए? जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे तो हम लोग में क्या होता है, जैसे एडवांस फीस रहता है दो दिन चार दिन आगे पीछे, स्टूडेंट पैसा दे ही देता है, बस समझ रहे हो, हम लोग में रिस्क है। कैसा रिस्क है वो? कम रिस्क, बहुत कम रिस्क है। कैसा रिस्क है वो? बहुत कम। नौकरी में कोई रिस्क नहीं है, जो लोग डरपोक लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं बाबू? नौकरी का है, नौकरी में कोई रिस्क ही नहीं, नौकरी में कोई नुकसान ही नहीं होगा, मालिक का पैसा हो चाहे ना हो हमको तो सैलरी मिलेगी, बात समझ ना? तो रिस्क हो गया। जल्दी बताइए रिस्क कहां ज्यादा है, कहां कम है? प्रोफेशन। कहां नहीं है? कहां नहीं है? कहां नहीं है रिस्क? अच्छा रिस्क तो समझ गया सर, ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? रिस्क मतलब जैसे हम बताए सत्यम वाला एग्जांपल देखे कि सत्यम एग्जाम हॉल में गया चीटिंग पेपर लेके, सत्यम को पता है कि हम पकड़ा भी सकते और नहीं भी पकड़ा सकते, फिर भी सत्यम चीटिंग लेके गया, इसका मतलब सत्यम क्या लिया? रिस्क। क्या लिया बोलिए? रिस्क। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या होता है, अचानक से आप कुछ नहीं किए लेकिन आपके साथ हादसा हो गया। जैसे सत्यम मान लीजिए चीटिंग लेके गया, लेकिन प्रिंस चीटिंग लेके नहीं गया एग्जाम हॉल में, प्रिंस एकदम चुपचाप से आगे बैठा हुआ है, एक लड़का चीटिंग मार के इसका पैर के पास फेंक दिया, टीचर पकड़ किसको लिया? इसको पकड़ लिया।
ऐसा होता है बहुत बार, इसको पकड़ दिया, ये रिस्क है कि अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी। अच्छा अनसर्टिनिटी मतलब अचानक से आपके साथ घटना हो गई, जैसे मान लीजिए बहुत रनिंग रोड है, रनिंग रोड मतलब रनिंग रास्ता है, हम उसमें फोन में बात करते करते आ रहे, हाँ बाबू बोलो बाबू कैसे हो बाबू, यही तो ट्यूशन जा रहे बाबू, यही तो रास्ता क्रॉस कर रहे। तो आप बताइए, आप रनिंग रास्ता में अगर बाबू से बात करते करते आप आ रहे हो, तो आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो भी सकता है, दैट मीन यू आर टेकिंग द रिस्क। बाबू से बात करते करते बाबू के पास चले जाओगे, ऐसा होता है ना, रिस्क ले रहे, क्या ले रहे बाबू रिस्क। लेकिन आप चुपचाप से साइड में खड़े हैं, एकदम शांति से खड़े हैं, एकदम आस्ते आस्ते रास्ता में चल रहे हैं, पीछे से तो बाइक वाला डिसबैलेंस करके आपको ठोक के चला गया। अब बताइए ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। तो जरूरी नहीं है हर बार गलती हम लोग का ही होता है, बहुत बार बिना गलती का भी आदमी को सजा मिल जाता है। बात समझे, हम चुपचाप रास्ता में खड़ा, एक आदमी पगला का तरह आ गया, मान लीजिए गाड़ी लेके आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें बताइए। एक दिन हम ऐसे खड़ा थे बाइक लेके खड़े थे रास्ते में, एक उधर से एक तो गाड़ी वाला आ रहा था, इतना जोर से आया ना बेचारा, मतलब उसका पहले वाले गाड़ी वाला था वो फेंका गया, हम उसके थोड़ा आगे थे बच गए, नसीब अच्छा था। तो लड़का वो लड़का लोग भी आस्ते चला रहा था, वो गाड़ी वाला जाए, उसका गाड़ी डिसबैलेंस हो गया। तो ये रिस्क था कि अनसर्टेनिटी था, अगर हम स्पीड में बाइक चला रहे, आई एम टेकिंग द रिस्क, लेकिन हम बाइक आस्ते चला रहे, पीछे वाला स्पीड चला रहा, हमको ठोक के चला गया, ये क्या बाबू अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस में बाबू रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी। आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे उस समय जब देश में लॉकडाउन लगा था, आज से चार साल पांच साल पहले, आप लोग कितना उम्र रहा होगा, 19-20 में, 2019 में, आप लोग 4-5 में होंगे, तो लॉकडाउन याद है 6 में, अच्छा ठीक है बाबा 6-7 जो भी थे, जो भी क्लास में आप थे, मान लीजिए आपको तो याद होगा, जैसे अचानक से सब कुछ ठीक है, मोदी जी बोले मित्रों कल से देश में लॉकडाउन लगेगा, अचानक से बेटा लॉकडाउन लग गया। अब सोचिए कुछ आदमी ऐसा होगा जो एक दिन पहले एक नया दुकान स्टार्ट किया होगा, उसका दुकान बंद हो गया, तो बिजनेस में कब क्या होगा कोई जानता नहीं, इसीलिए बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। रिस्क और अनसर्टेनिटी कहां ज्यादा है बाबू बताइए, बिजनेस में कहां ज्यादा है बोलो, बिजनेस में। और भी बहुत सारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 तक आपको हम समझाएंगे अभी आज, ठीक है, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे आपको बता रहे, स्टार्टिंग का टॉपिक है ना इसीलिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी बताइए, पहले हम आपसे पूछते बताइए हम लोग कौन, जितना पढ़े पहले सर, इसको और कंटिन्यू करेंगे फिर अगला दिन इसके आगे का, पहले आप इतना रीडिंग करके आओगे, पहले हम आपसे पूछते जितना उतना बताइए हम लोग कौन, हम लोग एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कितना तरह का, इकोनॉमिक और पैसा के लिए जो करते हैं, खुशी के लिए, ओके। अच्छा एक बात बताइए, आप एक तो पानी का बोतल ला के अपना दोस्त को दे दिए, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक खुशी के लिए दिए, उसको देखिए कि पानी खांसी हो रहा था उसको पानी दे दी, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। और मान लीजिए अपना दोस्त को पानी, बस अपना दोस्त को पानी ला के दिए और 20 रुपए से ले लिए, इकोनॉमिक कैसा हो वो इकोनॉमिक। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना तरह का होता है, 3, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। हम आपसे पूछते हैं बताइए वो कौन सा चीज है जहां पर जो हम लोग रोज रोज करते हैं पैसा के लिए, वो कौन सा चीज है जहां पे पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वो कौन सा चीज है जहां आप दूसरा के अंदर काम करते हो, अच्छा वो कौन सा चीज है जहां पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जहां पढ़ा लिखा होना चाहिए, जहां पढ़ा लिखा होना हो भी सकता है। अच्छा देखिए इस तरह से बनाया गया, जैसे एग्जाम में मान लीजिए खाली बिजनेस के बारे में पूछा, खाली बिजनेस वाला पॉइंट लिख दीजिए, प्रोफेशन पूछा खाली प्रोफेशन लिख दीजिएगा, इंप्लॉयमेंट पूछा खाली इंप्लॉयमेंट, डिफरेंस भी होता डिफरेंस लिख दीजिए। इसलिए क्या होता है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो पहले ना डिफरेंस पढ़ना चाहिए, डिफरेंस के थ्रू आपका तीनों क्लियर हो गया। अभी और भी बहुत सारा पॉइंट है जो अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। भाई और बहनों वो कौन सा चीज है जहां पैसा कम चाहिए, सॉरी पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, जहां कम चाहिए, जहां नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वो कौन सा चीज जहां रिस्क ज्यादा है, जहां रिस्क कम है, जहां रिस्क नहीं है। अच्छा किसी को रिस्क नहीं लेना होगा तो क्या करे, गवर्नमेंट जॉब में जॉब करेगा, जॉब में उतना रिस्क, जॉब में रिस्क नहीं होता, जॉब में मालिक का रिस्क है, मेरा थोड़ी रिस्क है। अच्छा वो कौन सा काम है जिसके लिए बहुत बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं, बिजनेस में बिना रिस्क का बिजनेस नहीं होता। इसीलिए देखो जनरली देखो कि आप क्या होता है, हम लोग हर आदमी बिजनेसमैन नहीं बनता था, नॉट एवरीबॉडी कैन बी द बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कभी बहुत कमाई होगा किसी दिन कमाई नहीं होगा, किसी किसी दिन बहुत कस्टमर रहेंगे, किसी किसी दिन खाली दुकान पर जिनका भी घर बाली जैसी, आप लोग जो लोग भी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हो आप देखोगे किसी दिन अच्छा कमाई हो किसी दिन कमाई नहीं हो, किसी दिन पूरा दिन भर बेटा बैठी रह गए, तो होता है बिजनेस में छापने का। लेकिन जो लोग को बिजनेस का आदत नहीं होता वो घबरा जाता है, बंद कर देता है दुकान, जो लोग मान ली बिजनेस चलाने का आदत है तो लोग सुबह से लेकर रात तक इस इंतजार में बैठा रहता है कि मेरा प्रॉफिट होगा। तो बिजनेसमैन हर आदमी नहीं बन सकता,
लेकिन लाइफ स्टाइल जो है बिजनेसमैन का ही होता है। बिजनेसमैन लोग का लाइफ, इंडिया में जितना रिच आदमी है वो लोग कौन है? बिजनेसमैन। इंडिया में जितने करोड़पति लोग है सब कौन है? बिजनेसमैन। नौकरी वाला आदमी तो करोड़पति नहीं। और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको अगला दिन। कब बताएंगे बाबू? अगला दिन। थैंक यू सो मच। आप ग्रुप में ऐड हो गए ना सारे बच्चे? आप तो भेजे नहीं बाबू, अपना नाम लिख के भेजोगे ना बाबू? क्लास 11 नाम देखो आप सबको कर दिया, आप भी भेज देना। थैंक यू सो मच।